नमस्कार दोस्तों, ट्रेड प्लस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईवी सेक्टर के बारे में। ईवी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर और कैसे 2023 में ये भारत में धूम मचाने वाला है, जिससे इस सेक्टर में निवेश करना आपके हमारे हम सबके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। ईवी सेक्टर भारत में अभी कुछ ही समय में काफी मशहूर होने लगा है, जिससे 2022 यानी इस साल के यूनियन बजट में सरकार ने ये ऐलान भी किया है कि भारत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े बैटरी इंडस्ट्री का भी निर्माण होना चाहिए और ये आगे आने वाले 10 सालों में हमारे देश के लिए काफी अच्छा भी साबित होगा। आइए अब हम जानेंगे उन सेक्टर्स के बारे में जिस पर ईवी सेक्टर के कामयाब होने से काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है और सरकार द्वारा भी इससे जुड़े कई टेंडर्स इश्यू किए गए हैं। आम जनता के लिए पब्लिक बसेस की व्यवस्था करने के लिए जैसे कि टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक इत्यादि। दूसरे नंबर पे है 2-3-4 व्हीलर्स, ऑटो स्कूटर गाड़ी। आजकल लोग समय बचाने के लिए इन गाड़ियों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो रहे हैं, जिससे इनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। ईवी बैटरी मेकर्स, लिथियम आयन सेल्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और इसका तकरीबन 50% ईवी के होने वाले खर्चे में होता है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लिथियम बैटरीज बहुत आवश्यक है इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, वैसे ही चार्जिंग स्टेशन भी बहुत जरूरी है। एनालिस्ट के अनुसार ईवी चार्जिंग स्टेशन का मार्केट 2027 तक $29.7 तक पहुंचने के आसार हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट के मार्केट को बढ़ाने के लिए कई केमिकल कंपनीज लिथियम बैटरीज के इंडस्ट्री में निवेश कर रही है, जैसे कि सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी रिसाइकलिंग और प्रोडक्शन। कमोडिटीज, ईवी के डिमांड के साथ बाकी चीजें जैसे कि कोबाल्ट, कॉपर, निकल की भी डिमांड बढ़ रही है, जिससे हिंदुस्तान कॉपर जैसे मेटल इंडस्ट्री ईवी प्रोडक्शन में भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सेक्टर्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, पेट फिल्म मैन्युफैक्चरर्स, ऑटो एंसिलरीज, जिस पर ईवी सेक्टर का प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसके अलावा 2023 में ईवी सेक्टर हम सबके लिए भी एक अच्छा निवेश का मौका लाएगा और इससे जुड़े कई स्टॉक्स भी फायदे में रहेंगे। इतना ही नहीं, हम ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के द्वारा भी ईवी सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भी कई स्कीम्स निकाली गई है, जैसे कि FAME II स्कीम, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, द बैटरी स्वॉपिंग पॉलिसी, द स्पेशल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जोन और EVs पर सरकार ने टैक्स भी घटा दिया है। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल का सेक्टर एक इको फ्रेंडली तरीका ढूंढ चुका है हमारे वातावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, जिसका उदाहरण है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश को और हमारे वातावरण को बचाने के प्रति कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, आप अपना पहला कदम ट्रेड प्लस के रॉकेट ऐप में अपना डीमैट अकाउंट खोल के रख सकते हैं, जिससे आप ईवी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में आसानी से भी निवेश कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और अगर आपको इससे जुड़े और भी कोई बातें जाननी है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। शुक्रिया। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The information discussed herein should not be construed as recommendation or investment advice. Brokerage will not exceed the SEBI prescribed limit.